तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस व्हील पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एक बार आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि अभी थर्ड सेमेस्टर में है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर में है और उनके जो एक सब्जेक्ट लग रही है बिल्डिंग ड्राइंग। ठीक है, तो बिल्डिंग ड्राइंग का एक आज आप लोग के लिए मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। आज से अपन इस चैनल पर डेली बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ेंगे और अभी मैं यहाँ पर सिलेबस डिस्कशन करूँगा कितनी उसकी इंपॉर्टेंस है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर, आज सारा कुछ अपन डिस्कस करेंगे। और बाकी जो मेरे पढ़ाने का तरीका होगा, आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइए कि जो अपन ऑफलाइन पर पढ़ते हैं बोर्ड में बना करके MD और बोर्ड लगा करके, बिल्कुल आपको वैसा ही फील होगा, मैं वैसे ही बना करके समझाऊंगा आपको। ठीक है, आज अपन सिलेबस डिस्कस करेंगे बोर्ड के अंदर, जो थ्योरी वाला पोर्शन होगा उसको अपन किया करेंगे बोर्ड के अंदर। ठीक है, और बाकी जो बचा वाला पार्ट है जैसे आपकी जो ड्राइंग है वो ड्राइंग मैं आपको पूरी तरह से बना के प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, वो आपको मैं बना करके दिखाऊंगा। इसके लिए आपको जो डेमो वीडियोज हैं वो कल से मेरे यूट्यूब पर अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप घर बैठे ही बहुत अच्छे तरीके से ड्राइंग्स को सीख सकते हो। और यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट सारे क्लियर कर सकते हो, बिल्कुल भी रत्ती भर भी आपको डाउट नहीं रहेगा, पूरी तरह से आपको ऑफलाइन की ही फीलिंग मिलेगी। ठीक है दोस्त, अब चूंकि क्या है कि कोरोना का इतना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है देश के अंदर, इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं पर डे के अंदर, तो ये ऑफलाइन बैचेज अब चलने पॉसिबल नहीं है। और अभी कॉलेज का कोई भरोसा नहीं है कि स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। और जो बिल्डिंग मटेरियल ड्राइंग आपका सब्जेक्ट है, ये ना कि केवल आपके सब्जेक्ट के लिए सेमेस्टर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इसके बाद यदि आप कहीं फील्ड में काम करने जाते हो, ठीक है, इसके बाद यदि आप फील्ड में काम करने जाते हो तो ये उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहां से आप सिविल इंजीनियरिंग में कदम रख रहे हो। अभी आप फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आपने जनरल डिपार्टमेंट था आपका, तो आपने सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ी होगी सिविल के बारे में, लेकिन अब यहाँ से आप सीखने वाले हो सिविल के बारे में। तो सिविल के बारे में सीखने से पहले अपन क्या करते हैं भाई, सबसे पहले आप तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हो तो आपको तो बनाने स्ट्रक्चर्स हैं, आपको बिल्डिंग्स डिजाइन करनी है, बड़े बड़े घर बनाने हैं, बड़े बड़े ब्रिजेज बनानी है, है ना। तो अब उसी में आपने पहला स्टेप रखा है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। आपसे कभी भी यदि आप फील्ड पर काम करने जाते हो तो आपको एक प्लॉट साइज देख के आपसे पूछा जा सकता है कि आप इसमें एक अच्छे से प्लान बनाओ। तो यदि आपने बिल्डिंग ड्राइंग बहुत शानदार तरीके से सीख ली ना, बिल्डिंग ड्राइंग आपसे आने लग गई कि आपको यदि कोई प्लॉट साइज दे दिया जाए तो आप उसके अंदर 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK या कि और भी शानदार तरीके से घर डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, एक घर की प्लानिंग कर सकते हो, तो आप वहां से डायरेक्टली इनकम कर सकते हो। मतलब ये एक आपकी एक स्किल है ना, केवल आपका एक सब्जेक्ट है, बल्कि ये जो बिल्डिंग ड्राइंग है, बिल्डिंग प्लानिंग में, मतलब बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर जो एक बिल्डिंग प्लानिंग का चैप्टर है, उससे आप काफी, मतलब उसमें आप महारत हासिल करके ना काफी अच्छी इनकम कर सकते हो। ओके, तो ये सिविल और सिविल इंजीनियर को ये स्किल तो आनी ही चाहिए। ठीक है, बिल्डिंग ड्राइंग आपसे आना ही चाहिए। बिल्डिंग ड्राइंग की सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंस नहीं कि आपको ड्राइंग बनाना सीखना है, बिल्डिंग ड्राइंग जब आप अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हो ना, जैसे अपन इसके अंदर क्या करेंगे कि जो अपन बिल्डिंग के अलग अलग स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं, जैसे आपका जो एक पूरी बिल्डिंग है वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलकर बनी होती है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स मिलकर बनी होती है। जैसे अगर अपन नीचे देखें तो सबसे पहले अपन फुटिंग बनाते हैं, तो फुटिंग एक अलग स्ट्रक्चरल एलिमेंट हो गया। फिर उसके ऊपर आपका कॉलम रखा होता है, कॉलम खड़ा रहता है, तो कॉलम आपका एक अलग स्ट्रक्चरल मेंबर हो गया। इसके ऊपर आपकी बीम रहती है, तो बीम आपका अलग हो गया। ठीक है, इसके ऊपर फिर आपके आपकी स्लैब रहती है। ठीक है, स्लैब के ऊपर फिर आपका पूरे और आपके जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके अलग अलग स्ट्रक्चरल मेंबर हो गए। अब जब इन स्ट्रक्चरल मेंबर्स को आप अलग अलग तरीके से बनाओगे तो आप इनकी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज को समझ पाओगे, आप इनकी छोटी छोटी डायमेंशन को समझ पाओगे कि यार अगर अपन लिंटल डाल रहे हैं तो लिंटल में बाहर निकले वाला जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो कितना होता है, उसकी थिकनेस अपन कितनी रखते हैं। ये छोटी छोटी बारीकियां ना जब आप आगे QSC पढ़ोगे, मतलब क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग पढ़ोगे, तो वहाँ आपको बहुत शानदार तरीके से काम आने वाली है। ठीक है, वहाँ आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो केवल ये ना सब्जेक्ट आपके बिल्डिंग ड्राइंग सब्जेक्ट बस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपसे अगर बिल्डिंग ड्राइंग आती है तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो और सब्जेक्ट है, जैसे आपका RCC है, ठीक है, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यदि आपने अच्छे से बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ ली तो आपके लिए QSC हलवा हो जाएगा, QSC आप बहुत शानदार तरीके से कर पाओगे। तो बिल्डिंग ड्राइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और दूसरी चीज़, एक खुद यदि आप सिविल इंजीनियर हो तो आपसे बिल्डिंग ड्राइंग आनी चाहिए। ठीक है दोस्त, आपसे प्लानिंग करते आना चाहिए, आपसे मतलब ड्राइंग्स को प्लान करते आना चाहिए कि आपको यदि एक प्लॉट साइज दे दिया जाए तो उसके अंदर आप एक अच्छा सा बिल्डिंग का डिजाइन कर पाओ, और उससे आप एक मतलब आपकी स्किल है यार सिविल इंजीनियरिंग हो तो आपसे चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, इंजीनियरिंग का मतलब तो यही ना कि आप एक घर का नक्शा शानदार तरीके से बना पाओ। खुद का एक सपना होता है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग करके सबसे पहले अपने घर का नक्शा बनाऊंगा, फिर इसके बाद आसपास, मतलब अगर आप करके नहीं घर आते हो ना अपने, मान लो आपने सिविल इंजीनियरिंग कर ली फिर आप अपने गाँव में आते हो तो आपसे बोल देते ना तो चार लोग यार कि मेरे घर का नक्शा बना दो मेरे घर का, तो आप में कुछ ऐसी इंजीनियरिंग क्वालिटीज होनी चाहिए, आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए, है ना, तो एक अच्छा मतलब आप डिजाइन कर पाओ। तो ये सारे तरीके मैं आपको बहुत शानदार तरीके से सिखाने वाला हूँ। ये पूरा आप कंप्लीट कोर्स पढ़ने के बाद, ये पूरी बिल्डिंग ड्राइंग सब्जेक्ट मेरे से पढ़ने के बाद आप एक बहुत शानदार तरीके से घर को डिजाइन कर पाओगे और बिल्डिंग ड्राइंग आपकी चुटकियों का खेल हो जाएगा, ये मेरे ऊपर आप भरोसा रखो। तो कल से स्टार्ट करेंगे, आप लोग को फीलिंग आ जाएगी। और ऑनलाइन से ये मत घबराइए कि यार ऑफलाइन तो अच्छी होती है, ऑनलाइन ऑनलाइन और भी बेस्ट है। आप घर में बैठिए,
जो भी डाउट होगा आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली आप मेरे से समझ सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू समझ सकते हो, फेसबुक ग्रुप के थ्रू समझ सकते हो, आपको जैसे हो डायरेक्ट कॉल करके भी आप मेरे से बात कर सकते हो, तो आपके डाउट रत्ती भर भी नहीं रहेगा। ठीक है, आज अपन सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि मैं इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अपन कल से जो आपके फर्स्ट लेक्चर होगा आपका वो अपलोड हो जाएगा डेमो, दो चार लेक्चर में अपलोड करूंगा डेमो ग्रुप में। इसके बाद यदि आप पूरा कोर्स लेना चाहते हो तो आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको इंपॉर्टेंस तो बता दी, ठीक है, इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई कि यार यदि आप सिविल इंजीनियर हो तो आपसे चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है भाई, आप इससे डायरेक्टली इनकम जनरेट करते हो, पहली चीज़ तो एक स्किल हो गई, क्योंकि अभी आप सिविल इंजीनियरिंग में प्रवेश कर रहे हो तो आपके पास, देखो आप अगर यदि आप फील्ड में काम करने जा रहे हो ना सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, यदि आपका मोटिव है कि मैं फील्ड में काम करने जाऊं, फील्ड में काम करने जाने के लिए, ठीक है, फील्ड में यदि आप काम करने जा रहे हो तो आपके पास दो ही तीन चीज़ें हैं जो आपसे आनी चाहिए। पहली चीज़ तो सर्वे बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो कि अभी आपकी इस सेमेस्टर में लग रही होगी, या तो आप सर्वे अच्छे से सीख लो तो सर्वे का काम है। दूसरी चीज़ आप QSC अच्छे से सीख लो तो आप क्वांटिटी सर्वेइंग का काम कर सकते हो, इस्टीमेशन का काम कर सकते हो। तीसरी चीज़ आपसे बिल्डिंग ड्राइंग का प्लानिंग वगैरह चीज़ अच्छे से बन जाए, ग्राफिक्स डिजाइनिंग अच्छे से बन जाए, तो आपको ग्राफिक्स मतलब कैड यानी कि कैड सीखने से पहले, ठीक है, कंप्यूटर में उस डिजाइन को बनाने से पहले आपको अपनी कॉपी पे बनाते आना चाहिए ना, आपकी से प्लानिंग तो आनी चाहिए, रफ प्लानिंग तो आनी चाहिए। यदि यार आपको 75x20 का या 75x60 स्क्वायर फीट का कोई प्लाट दे दिया गया है तो आपका आपको उसके अंदर एक अच्छी सी ड्राइंग बनाते आनी चाहिए, आपको 3BHK 2BHK जो बोला जाए वो बनाते आना चाहिए, आप किस तरीके से लोकेशन फिक्स कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपसे पहले आनी चाहिए। तो ये स्किल आप लिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिखाने वाला हूँ इस पूरे कोर्स के अंदर, इस पूरे बिल्डिंग ड्राइंग कोर्स के अंदर। ठीक है दोस्त, तो चलिए पहले तो सिलेबस डिस्कशन कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे अपन इसके लिए। और दूसरी चीज़ आपके सेमेस्टर में लग रही है तो एक तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, ठीक है, यहाँ से आपका CGPA भी इंप्रूव होगा अगर आप इसे अच्छे से सीख लेते हो तो। ओके दोस्त, आई थिंक आपको इसकी इंपॉर्टेंस तो समझ में आ चुकी होगी, है ना। अब डिस्कस कर लेते हैं अपन इसका सिलेबस कि इसके अंदर अपन क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं और क्या क्या मैं आपको इसके अंदर सिखाने वाला हूँ, किसकी किसकी ड्राइंग सिखाने वाला हूँ, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्त, इसके सिलेबस के अंदर से सबसे पहली चीज़ अपन पढ़ेंगे वो स्टेयर के बारे में पढ़ेंगे। स्टेयर अब देखो मैं पढ़ाने का जो मेरा तरीका होगा, केवल आप अब देखो पेपर में तो आपसे केवल ड्राइंग पूछी जाती है या कि थोड़ी बहुत थ्योरी से पूछी जाती है, तो मैं पहले इसका एक कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करूंगा बोर्ड के अंदर, एक जैसे चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे स्टेयर, तो उसका एक 15 मिनट का वीडियो या 20 मिनट का वीडियो मैं बनाऊंगा थ्योरी के ऊपर, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ यार स्टेयर है क्या चीज, उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं। एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसे मैं हर टॉपिक पे करूंगा, ठीक है। देन इसके बाद अपनी ड्राइंग बनाएंगे बोर्ड और एमडी के ऊपर, पेंसिल वर्क सारी चीजें आपको क्लियरली दिखाई देंगी, ठीक है। तो पहली चीज अपन बनाएंगे कहां, बोर्ड और एमडी के ऊपर। तो पहला तो अपन पढ़ेंगे क्या, स्टेयर। दूसरी चीज है, दूसरा टॉपिक है आपका ट्रस का, ठीक है, दूसरा आपका ट्रस्ट। स्टेयर के अंदर चार पांच प्रकार के ट्रस्ट जो आप लोग के सॉरी चार पांच प्रकार के स्टेयर जो आप लोग के पेपर में आते हैं सबकी ड्राइंग पढ़ेंगे। देन पढ़ेंगे अपन ट्रस्ट, ट्रस्ट जो जो इंपॉर्टेंट है सारे पढ़ेंगे। देन आपका आता है आपका अगला फुटिंग्स, ठीक है, फुटिंग्स का एक चैप्टर है। देन इसके बाद है आपका लिंटल, ठीक है, देन आपका लिंटल के बाद है आपका, लिंटल के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेप्टिक टैंक, फिर आपका वाटर सैनिटरी फिटिंग, वाटर सप्लाई, ठीक है, वाटर सप्लाई स्कीम का। देन आपका है इसके बाद, ठीक है, इसके बाद है आपकी बिल्डिंग प्लानिंग, ठीक है। अब बिल्डिंग प्लानिंग के अंदर दोनों तरह की, एक सेल्फ प्लानिंग अलग और एक जो लाइन प्लान दिया रहेगा फिर उसका क्रॉस सेक्शन, उसका एलिवेशन और उसका आपका प्लान, ठीक है, उन तीनों चीज़ों को भी अपन बना के देखेंगे प्लस सेल्फ प्लानिंग। अब देखो यहाँ से जो पूरी बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना बताते हैं कौन सा है। इसके बाद फिर आपका जो 8th टॉपिक चैप्टर होगा वो होगा आपका पर्सपेक्टिव का, ठीक है, पर्सपेक्टिव ड्राइंग का। ये जो आपका 8th चैप्टर होगा वो आपका होगा पर्सपेक्टिव ड्राइंग का। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, एक आध चैप्टर और होंगे तो उनको भी अपन ऐड करके पढ़ लेंगे, ठीक, क्योंकि कहीं कहीं का सिलेबस अलग अलग होता है, अलग अलग स्टेट का सिलेबस अलग होता है, तो अगर एक आध टॉपिक और आते हैं, एक आध चैप्टर और ऐड होते हैं तो उनको भी अपन साथ में कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है, पूरी बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर ये तो ठीक है स्टेयर वगैरह तो अपन सीख लेंगे, यहाँ आपको डायरेक्टली फील्ड में काम इनके थ्रू नहीं करना होता है। इनके थ्रू देखो आप जैसे मान लो आपके घर में स्टेयर बन रहा है तो आप स्टेयर वहां से डिजाइन कर पाओगे, यार इतने राइज इतने ट्रेड कैसे निकालना है, कैसे कौन से स्टेयर बनाएंगे वहां पे, ये सारी चीजें अपन समझेंगे यहाँ पे। दूसरी चीज सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है आपकी बिल्डिंग प्लानिंग वाला, ठीक है, बिल्डिंग प्लानिंग। अब देखो बिल्डिंग प्लानिंग दो प्रकार से पढ़ते हैं अपन, एक तो रहता है लाइन प्लेन, ठीक है, लाइन प्लान आपको दिया रहता है, एक तो आपको लाइन प्लान दिया रहता है और दूसरी चीज रहती है जिसमें आपको सेल्फ प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है,
दूसरी चीज रहती है जिसके अंदर आपको सेल प्लानिंग करनी रहती है। सेल प्लानिंग के अंदर जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यदि आप फील्ड के अंदर जाना चाहते हो ना, और आपके अंदर जो मेन स्किल डेवलप करने का भी सेल्फ प्लानिंग करेगी, मतलब आप खुद से कैसे अरेंज कर पा रहे हो, बेडरूम्स कैसे अरेंज कर रहे हो आप, मतलब कमरों को कैसे अरेंज कर पा रहे हो, घर को कैसे डिजाइन कर पा रहे हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से अपन समझने का प्रयास करेंगे, और ये मैं आप इसमें अपन कम से कम 5 से 7 लेक्चर देंगे जिसके अंदर आप बहुत कंप्लीट तरीके से सीख सकोगे, और फिर इसके अंदर 2-3 प्लानिंग करके भी देखेंगे, ठीक है, 2-3 प्लानिंग बना के भी देखेंगे, ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि भैया ऐसे ऐसे करके डिजाइनिंग करनी, फिर आप लोग भी ऐसे प्रैक्टिस करोगे। तो ये अपना कंप्लीट सिलेबस रहेगा बिल्डिंग ड्राइंग का। अगर एक आध चैप्टर और भी है तो उनको भी अपन कंप्लीट डिस्कस करेंगे और उनके ड्राइंग्स बना बना करके देखेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर होगा, और ये अपना कोर्स जो है ये कल से मैं इसके डेमो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो पहले आप उन्हें वॉच कीजिए, देन आप इसे फुल कोर्स को एनरोल कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, और इसके अलावा भी यदि आप सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स या पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके वीडियोज आपको अपलोड कर दूंगा। जैसे आपका इस सेमेस्टर में भी फ्लूड मैकेनिक्स भी लग रही है, ठीक है, तो फ्लूड मैकेनिक्स का भी हमारा कंप्लीट कोर्स है, आप उसे भी इनरोल कर सकते हो। एकदम साधारण सिंपल लैंग्वेज में क्या होती है फ्लूड मैकेनिक्स, कैसे पढ़ते हैं, सारी चीजें अपन शानदार तरीके से आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बस ये एक चैनल पर यदि नए हो, काफी सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल, जैसे फ्लूड मैकेनिक्स सारा मैं लगभग आधे से ज्यादा फ्री कंटेंट ही प्रोवाइड करने वाला हूँ। बिल्डिंग ड्राइंग आपका पेड रहेगा, इसके अंदर एक्चुअली कुछ लेक्चर्स अपलोड होंगे, बाकी सारे पेड रहेंगे, ठीक है, तो इसके लिए आपको परचेज करना पड़ेगा। यदि आप चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले तीसरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि जो भी आगे इंपॉर्टेंट वीडियोज आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टाइम पर मिलती रहे, ठीक है दोस्त। तो इतना हो गया, अब आपको कॉन्टैक्ट कैसे करना है मेरे से, ठीक है, आपको ये आप इसको नोट कर लेना यार, ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लेना, इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट कैसे करना है, तो मैं आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओके, व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके, ठीक है, ये नंबर 9179417400, ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके और अपने कोर्स को इनरोल कर सकते हो, और यदि कोई आपको और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो भी आप ले सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, कल से अपने कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा, ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है, पहले डेमो देखिए, अच्छा लगे तो ज्वाइन।